चार ऐसी चीजें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती पर आपके लिए सीखना जरूरी है। नंबर वन, स्कूल में हमें मटेरियल चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है पर कभी भी इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने वाला कौन है, मैं कौन हूँ। दुनिया की बड़ी से बड़ी फिलॉसफीज में इसी सवाल पर फोकस किया गया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक इंसान को ये समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ तब तक उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसे इस जीवन में करना क्या है। नंबर टू, स्कूल में हमें न्यू करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए आज इंडिया का 80% यूथ गिने चुने 3-4 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहा है, जहां हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। और वहीं कुछ फील्ड्स ऐसी है जहां इंडिया बहुत पीछे रह गया है। जब स्टूडेंट्स को न्यू करियर पाथ्स का एक्सपोजर नहीं मिलता तो उनकी सोच बहुत लिमिटेड हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि ये 3-4 करियर्स है और इनमें नहीं हुआ तो लाइफ खराब है। नंबर थ्री, स्कूल में हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता, कैसे हमें अपने कमाए हुए पैसों को सेव, इन्वेस्ट और मैनेज करना चाहिए, जिसके कारण जब लोग फाइनली अर्न करने लगते हैं वो बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। नंबर फोर, स्कूल हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करने की जगह सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, जिसके कारण एक इंसान जो अभी स्कूल से पास आउट हुआ है उसे एकेडमिक्स की तो बहुत नॉलेज होती है पर लाइफ की इंपॉर्टेंट स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्दी लिविंग जैसी चीजों में वो बहुत पीछे रह जाता है।